देवरानी हूँ मैं, नौकरानी नहीं। चिंकी पिंकी आओ बेटा, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। ताई जी, मेरा नाश्ता खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप बस टिफिन दे दो। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है भाई, जो बच्चे खाली पेट घर से स्कूल जाते हैं ना, गॉड उनसे नाराज हो जाते हैं। अब तुम सोच लो, गॉड को नाराज करोगी या नाश्ता करके जाओगी। ताई जी आप ना ऐसे करते हो, रोज मुझे ब्लैकमेल करके नाश्ता कराते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं है, सच्ची में गॉड को ना बहुत दुख होता है अगर कोई बच्चा खाली पेट रहे तो। ताई जी की बात सुनकर दोनों बच्चे हंसते हुए नाश्ता करने लगते हैं। रानी का ये रोज का रूटीन था, अपने बच्चों सोनू और बंटी के अलावा वो खुशी खुशी देवरानी की बेटियों चिंकी और पिंकी को भी स्कूल के लिए तैयार करती, उनका टिफिन बनाती, ब्रेकफास्ट तैयार करती और खुद स्कूल बस पे बिठा कर ही घर लौटती। रानी की देवरानी मोना शुरू से ही वर्किंग थी, जबकि रानी एक हाउसवाइफ थी। रानी ही थी जिसने इस बड़े से परिवार के मोतियों को एक धागे में पिरोकर उसे जोड़ा हुआ था। उसका छोटे बड़े सबके लिए निस्वार्थ प्यार ही इस संयुक्त परिवार की एकता का कारण था। मोना को तो शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी से ही मतलब रहता था। घर में क्या है क्या नहीं, बच्चों की ज़रूरतें पूरा करना, उनके साथ टाइम बिताना, ये सब मोना को आता ही नहीं था, या यूं कह लो कि उसे ये सब संभालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। भाभी कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है, आप मेरा लंच मत बनाना, मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूँगी। अरे कैंटीन में क्यों खा लूँगी, देख बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने को तो मैं उठती हूँ, उसी समय तेरा भी टिफ़िन बना दूँगी। कैंटीन का खाना तुझे हजम कहाँ होता है, फिर दो दिन तक परेशान रहेगी। आप ना दुनिया की सबसे अच्छी जिठानी हो, सच्ची, थैंक यू सो मच। अच्छा जा जाकर तू सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, मैं बच्चों को उनके कमरे में सुला कर आती हूँ। अपने 2.5 साल की बेटी को कमर में लटकाए रानी तीनों बच्चों को उनके कमरे में सुलाने के लिए ले जाती है। मम्मा आज कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करो फिर तीनों चुपचाप से सो जाओगे। हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस। बच्चों को कहानी सुनाने के बाद रानी छोटे बेटे बंटी को लेकर अपने कमरे में आती है। अरे थोड़ा काम बांट लो ना अपनी देवरानी के साथ, तुम भी तो थक जाती हो, रात को सबसे आखिर में सोती हो और सुबह सबसे पहले उठ जाती हो। मोना की शादी को भी 7 साल हो गया है, 2 बच्चों की माँ बन गई वो, लेकिन आज भी मेहमानों की तरह बस खाना खाकर सोने चली जाती है। अरे माना की नौकरी करती है लेकिन अपने बच्चे तो खुद संभालने आने चाहिए ना उसे। देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, 4-4 बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है, और तुम चाहे जितना भी कर लो, आजकल भलाई का बदला लोग बुराई से ही देते हैं। अपने सर से थोड़ी जिम्मेदारियां घटाओ और खुद पर और अपने आराम पर ध्यान दो। अरे मोना कौन सा मेरे सर पर बंदूक रखकर मुझसे कोई काम करा रही है, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी खुशी से कर रही हूँ, और काम का क्या है, काम करने से इंसान घटता थोड़ी ना है, आप बेकार में मेरी इतनी चिंता करते हैं। वैसे एक राज की बात बताऊँ आपको, आपका मेरे लिए यूँ चिंता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ये मजाक करने की बात नहीं है रानी, तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो, चिंकी पिंकी मोना की बेटियां हैं या तुम्हारी, सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपनी बेटियों का टिफिन और नाश्ता तो उसे बनाना चाहिए या नहीं। टिफिन बनाना तो दूर, मैंने देखा वो तो अपने बच्चों की यूनिफॉर्म तक धोकर नहीं देती। अरे ऐसे भी भला कौन सी माँ होगी। ये कोई आज पहली बार होने वाला डिस्कशन नहीं था, रानी का पति करण देख रहा था कि कैसे उसकी पत्नी दिन रात चकर घिन्नी बनी इतने बड़े परिवार को चला रही है, जबकि मोना ने तो सब कुछ देखकर भी आंखें बंद की हुई है। इसलिए वक्त बेवक्त वो अपनी पत्नी को टोकता रहता और देवरानी के बच्चों की जिम्मेदारी देवरानी को सौंपने के लिए कहता। कुछ दिन बाद चिंकी पिंकी तुम दोनों के टेस्ट में कम नंबर आए थे ना, चलो खाना खत्म करने के बाद दोनों किताब लेकर बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ, फिर अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। ताई जी आप पढ़ाती हो तो मुझे सब समझ में आ जाता है, आप ही हमें रोज़ पढ़ाया करो ना, फिर देखना हम दोनों कैसे टॉप करते हैं। चलो ठीक है, आज से हम रोज़ 1 घंटा पढ़ाई किया करेंगे बस। अपने बिजी शेड्यूल में से चिंकी पिंकी को पढ़ाने के लिए रानी ने किसी तरह 1 घंटा निकालना शुरू कर दिया था। उस 1 घंटे में वो तीनों बच्चों का होमवर्क करवाती और उनके डाउट्स क्लियर करती। धीरे धीरे एग्जाम का समय नज़दीक आने लगा था। मम्मी एग्जाम में बस 1 वीक बाकी है, स्ट्रेस कम करने के लिए स्कूल में एक एक्टिविटी है, आप मेरी तैयारी करा दोगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा।
सोनू भैया आप कितने लकी है, ताई जी तो आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनवा देंगी और उसकी प्रेजेंटेशन भी बनवा देंगी। आपको पता है ताई जी, मैंने अभी मम्मा को कॉल किया था कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए सामान लेकर आना। पता है मम्मा ने क्या कहा? कहने लगी, ये सब फालतू चीजें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाली। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, मम्मा ऐसा बोल ही नहीं सकती। देखो अभी शायद ना मूड सही नहीं होगा इसलिए कह दिया होगा। अच्छा ठीक है, मैं तेरा सामान मंगवा देती हूँ और फिर हम मिलकर बनाएंगे। मोना ने सचमुच पिंकी के प्रोजेक्ट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि जिठानी रानी अपने बेटे सोनू के साथ पिंकी का प्रोजेक्ट भी बना रही थी। मम्मी जी एक इमरजेंसी आ गई है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इस समय भैया भाभी भी उनके पास नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है बहू, तू जा जाकर अपनी माँ के पास 4-5 दिन रुक कर आ जा। मैं 4-5 दिन के लिए चली जाऊँगी तो यहाँ पर कौन संभालेगा, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और घर के बाकी काम करने वाला भी तो यहाँ कोई नहीं है। अरे किसने कह दिया तुझे कि यहाँ कोई नहीं है, तेरी देवरानी मोना है ना, 3 दिन का बैंक हॉलीडे है और 2 दिन की वो ऑफिस से छुट्टी ले लेगी, तो आराम से जाकर अपनी माँ की सेवा कर, 5 दिन मोना घर संभालेगी। लेकिन माँ जी मोना कर पाएगी क्या? अरे वो क्या 12 साल की बच्ची है जो घर संभाल नहीं पाएगी, 2 बच्चों की माँ हो गई है, सब संभाल लेगी वो। तू जा यहाँ की चिंता छोड़ और अपनी माँ के बारे में सोच। सास से हरी झंडी मिलते ही अगले ही दिन रानी अपने मायके की ओर निकल जाती है। देखो मैंने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है, जल्दी से तुम तीनों नाश्ता कर लो, मैं तुम लोगों का टिफिन पैक करती हूँ। लेकिन मुझे दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना मम्मा, मुझे ब्रेड बटर चाहिए। और मुझे आलू का पराठा, ये दूध कॉर्नफ्लेक्स मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आता। देखो ऐसा है, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह इतने काम है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, ऊपर से तुम तीनों अपनी अपनी फरमाइश बताए जा रहे हो, जो खाना बनाया है खा लो चुपचाप वरना भूखे पेट स्कूल जाना पड़ेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो चाची, मम्मी तो हम सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती थी और हमें प्यार से मनाकर नाश्ता भी कराती थी, और आप कह रही हो कि बिना खिलाए स्कूल भेज दोगी। हाँ तो बुला लो ना अपनी मम्मी को, किसने रोका है। ध्यान से सुन लो तुम सबके सब, मैं रानी भाभी नहीं हूँ जो तुम लोगों की हर गलत और सही बात बर्दाश्त कर लूंगी, चुपचाप जो दिया है उसे खाओ और अपने स्कूल जाओ। मोना की बात सुनकर तीनों बच्चे बिल्कुल सहम गए थे स्कूल से लौटने के बाद। चाची आपने टिफिन में भी अचार पराठा दे दिया, आपको पता नहीं मैं अचार नहीं खाता, और नमक वाला सूखा पराठा मुझसे खाया नहीं जा रहा था, पूरा दिन मुझे स्कूल में भूखा ही रहना पड़ा। अरे तुम लोगों के नखरे तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे, सुबह सुबह 5 बजे उठकर मैंने तुम सबके लिए टिफिन बनाया और तुम आकर मुझे बातें सुना रहे हो, तुम्हारी माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है तुमको, जरा सी तमीज नहीं सिखाई कि जो टिफिन में दिया जाए उसे प्यार से खा लो। अरे छोटी बहू ये किस तरह से बात कर रही है तू बच्चों के साथ, अरे बच्चे हैं उनका मन करता है कुछ ना कुछ चटपटा खाने का, अरे बड़ी बहू इतने सालों से सब संभाल रही है ना, उसके रहते तो कभी बच्चों की कोई शिकायत नहीं रहती, बल्कि तीनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल में टिफिन लेकर जाते हैं। अरे माँ जी तो मैं कौन सा बच्चे को टिफिन बनाने के लिए मरी जा रही हूँ, बुला लीजिए अपनी बड़ी बहू को ही, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, भाभी के पास और काम ही क्या है पूरा दिन पूरी और पराठे बनाने के अलावा। मम्मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, आज खाने में क्या बनाया है। बेटा घर में इतने काम दिख रहे हैं तुम्हें, करते करते मेरी तो कमर टूट गई, मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ, दाल चावल बनाया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खा लो। मम्मी दाल चावल कौन बनाता है, हमें नहीं खाना दाल चावल। अरे चावल बना रही थी तो छोले बना लेती उसके साथ, ताई जी कभी हमें दाल चावल नहीं खिलाती बल्कि हमारी पसंद का ही खाना बनाती है। अरे बेटा सिर्फ तुम दोनों ही नहीं हो ना, 2 और बच्चे भी तो मेरे गले की हड्डी बने हुए हैं, उन्हें भी तो पका पका कर खिलाना पड़ रहा है, और ताई जी का क्या है, उनको सिर्फ 24 घंटे घर में बैठकर खाना ही तो पकाना है, उनको ना अब आदत हो चुकी है दिन में 3 टाइम खाना बनाने की। लेकिन बेटा आपकी मम्मा तो ऑफिस जाती है, मुझे घर की साफ सफाई का खाना बनाने का नाश्ता बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कर रही हूँ ना, तो जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। माँ जी आपने भाभी से कहा क्यों नहीं कि अपने साथ अपने बच्चों को तो लेकर जाए। अरे अब मैं चिंकी और पिंकी को देखूँ या सोनू बंटी को, ऊपर से भाभी ने अपने दोनों बच्चों को इतना बिगाड़ कर रखा है,
अरे फरमाइशी खत्म नहीं होती। सोनू तो सोनू, ये छुटका बंटी भी अपनी पसंद का ही खाना खाता है। मोना बेटा, उसमें देखने जैसे क्या बात है, और बच्चों को ले जाती तो उनका स्कूल मिस नहीं हो जाता। अरे कम से कम बंटी को तो ले जा सकती थी, वो अभी 2.5 साल का है, उसे कौन सा स्कूल जाना होता है। बेटा बंटी को तो वो ले जाना चाह रही थी, लेकिन वो मेरे बिना यहाँ से हिलने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि अरे बहू छोड़ जा बंटी को, मैं देख लूंगी। हाँ हाँ बंटी को मैं देख लूंगी, करना तो आपको कुछ होता नहीं माँ जी, सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर आप तो आराम से अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती हैं। काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई है ना आपको। अगले दिन सुबह, चाची आपने मेरी स्कूल ड्रेस प्रेस नहीं की, अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊंगा। अरे प्रेस नहीं हुई है तो क्या हुआ, चुपचाप ऐसे पहन कर चला जा। और चाची इंसान है, कोई बोतल से निकला हुआ जिन नहीं है कि दिन के 24 घंटे बस तुम लोगों की सेवा करती रहेगी। परेशान हो गई हूँ मैं तो तुम सबके आगे पीछे घूमते घूमते। कुछ देर बाद मोना के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सास मधु दौड़ती हुई उसके कमरे में जाती है। अरे बहू क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है। शोर ना मचाऊं तो क्या करूं माँ जी, नाक में दम करके रख दिया इन सोनू और बंटी ने मेरे। कमरा कोई खेलने की जगह होता है क्या, अगर खेलना ही है तो जाकर बाहर खेले, पिछले 1 घंटे से कमरे में शोर मचा के रखा हुआ है। इन्हें अभी यहाँ से लेकर जाइए वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे छोटी बहू ये कौन सी भाषा में बात कर रही है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में ही खेलेंगे ना, और आज कोई पहली बार तो खेल नहीं रहे। हाँ तो खेले ना, मुझे इनके खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कब मना किया, लेकिन मेरे कमरे में खेल का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कभी लैपटॉप का तार खींच रहे, कभी आपस में धक्का मुक्की कर रहे, और मेरा लैपटॉप छूने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई। छोटी बहू तिल का तार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी बहू अपने साथ बिठाकर कंप्यूटर में ड्राइंग सिखाती है तीनों बच्चों को, अगर इन्होंने कंप्यूटर में हाथ लगा भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तू तो हर छोटी छोटी बात पर ऐसे बवाल मचा रही है जैसे रानी के बच्चों को देखकर तू कोई एहसान कर रही है। हाँ तो माँ जी एहसान नहीं चाहिए था तो मायके जाते हुए अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहिए था, मैं यहाँ अपने बच्चे संभालू या उनके। अरे तेरे जैसे एहसान फरामोश औरत नहीं देखी मैंने आज तक, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर मोना की सास वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे माँ जी अगर आपने बंटी को रोका है तो कुछ देर उसको संभालिए भी तो, अभी अभी मैंने पोछा लगाया है और तुरंत ही इसने जूते पहनकर हर जगह मिट्टी के पैरों के निशान बना दिए, ऊपर से हर समय कुछ ना कुछ खाता रहता है, देखिए पूरे घर में चिप्स के टुकड़े फैला दिए उसने, समझ में नहीं आता कितनी बार सफाई करूं, जरा सी देर बीतती नहीं कि ये बंटी फिर से गंदा कर देता है। बहू की बात सुनकर सास अपने पोते को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। यह तो मेरी रानी की ही हिम्मत है कि वो माथे पर एक भी बल लाए बिना अपने दोनों बच्चों के अलावा इस काम चोर के भी दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर पाल रही है। अरे कहीं उसकी जगह अगर ये घर में रहती ना तो हमारे घर में रोज महाभारत होती। सच में बड़ी बहू के जाने के बाद मुझे समझ में आया कि उसके होने से ही मेरा घर घर है। किसी तरह ये 5 दिनों का लंबा समय गुजरता है और मोना की जिठानी रानी वापस अपने ससुराल आती है। ताई जी आप इतने दिनों के लिए क्यों चले गए थे, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता, अगली बार आप जाओगे ना तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। चिंकी जी कह रही है मम्मा आज के बाद हमें अकेला छोड़कर कभी मत जाना। अरे क्या हो गया, आपके पास चाचा थे चाची थी, चाची भी तो माँ की तरह होती है ना बेटा। नहीं मेरे माँ तो सिर्फ आप हो, चाची चाची है, वो आपके जैसे कभी नहीं हो सकती। रानी समझ नहीं पा रही थी कि उसका इतना समझदार बेटा ऐसी क्यों बात कर रहा है। मम्मा कल पीटीएम में चलना है याद है ना, हमारे फाइनल एग्जाम की मार्कशीट मिलने वाली है। अरे बेटा याद तो नहीं था लेकिन हाँ अब याद रखूंगी। अगले दिन रानी और मोना तैयार होकर बच्चों की मार्कशीट लेने के लिए उनके स्कूल पहुंच जाती है। आपकी दोनों बेटियां तो मेरी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं हर एक्टिविटी में फर्स्ट आई है आपकी बेटियां। और चिंकी ने बताया कि आप एक वर्किंग मदर है, सचमुच मानना पड़ेगा, कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पाती हैं आप, एक साथ घर बच्चों की पढ़ाई उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और हाँ ये तो बताना ही भूल गई कि आपने जो टिफ़िन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना, आपकी दोनों बच्चियाँ उसमें भी टॉप पर ही है। एक्चुअली टिफ़िन कंपटीशन के लिए हमें बच्चों की नहीं उसकी मदर को ट्रॉफी देनी चाहिए,
कोई भी बच्चा टिफिन कंपटीशन तभी जीत सकता है जब उसके पीछे आपके जैसी माँ हो। टीचर मोना की तारीफ किए जा रही थी और मोना हक्की बक्की से टीचर के सामने बैठी थी, क्योंकि वास्तव में उसने तो साल भर बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। टिफिन कंपटीशन कब हुआ, बच्चे टिफिन में क्या ले गए, उससे तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां उसकी जेठानी रानी संभाल रही थी। उसकी दोनों बेटियां जो मिड टर्म तक सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ रही थी, फाइनल एग्जाम में उन्होंने टॉप किया था और मोना को अभी तक अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने ही विचारों में खोई हुई मोना घर पहुंचती है। ताई जी, हम दोनों फर्स्ट आए हैं, और पता है सिर्फ एकेडमिक्स भी नहीं, हम दोनों स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन, सारी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आए हैं, और इन सारे सर्टिफिकेट का क्रेडिट आपको ही जाता है। आप हमारी इतनी अच्छी तैयारी ना कराते तो हम तो पिछली बार की तरह सिर्फ पासिंग मार्क ही लेकर आते। और ताई जी, ये सर्टिफिकेट आपके लिए, आपके बनाए टिफिन रेसिपी के कारण आप टिफिन कॉम्पिटिशन भी जीत गई हो। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम दोनों फर्स्ट अपनी मेहनत के कारण आई हो, मेरे कारण नहीं। मैंने तो तुम्हें वैसे ही पढ़ाया जैसे सोनू को पढ़ाती हूँ, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो तुम दोनों की आई ना। सोनू तो इस बार भी पिछले साल की तरह क्लास में सेकंड आया है। रानी की बात सुनकर देवरानी मोना शर्मिंदगी से अपनी जेठानी के पैरों में गिर जाती है। माफ़ कर दो भाभी, आपके जैसे मैं चाहकर भी नहीं बन सकती। मैं माँ होकर जो ना कर सकी आपने ताई जी होकर कर दिखाया, और एक मैं हूँ जो 5 दिन भी आपके बच्चों को माँ तो क्या, चाची जितना प्यार भी नहीं दे सकी। देवरानी के आंसू पश्चाताप बनकर उसकी आंखों से बरस रहे थे और रानी बड़ी बहन की तरह उसके आंसू पोंछ रही थी।